दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीओडी के बारे में, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। टीओडी होता क्या है, इसको हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और इसको कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें व्हाट इज़ टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जो इंडियन सिविलियंस को अलाउ करता है इंडियन आर्मी को 3 वर्षों के लिए ज्वाइन करने के लिए और कंट्री को एज एन आर्मी सोल्जर सर्व करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो चाहते हैं कि हम बाय प्रोफेशन इंडियन आर्मी ना ज्वाइन करें, बट हम एक्सपीरियंस करें कि हाउ इंडियन आर्मी वर्क्स। तो ये प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेसिंग है, ये पूरी तरह से प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर चुका है। तो अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें कोई भी सैनिक सेवा जैसा नियम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कमी की जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरी तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा ही इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसमें भी लिखित एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू किए जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो इसमें 100 सीट्स जो हैं वो ऑफिसर्स के लिए होंगी और 1000 सीट्स जो हैं वो सोल्जर्स के लिए होंगी। भारतीय सेना प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा कि पहले इसे एज अ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अगर ये सफल होता है तो इसमें वैकेंसीज़ के लिए और भी बढ़ोतरी की जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि इससे सेना को क्या फ़ायदा होगा, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो है कि प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, सैलरी और अनदर अलाउंसेस के तौर पे देखा जाए तो 10 साल में 5.12 करोड़ और 14 साल में 6.83 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 3 साल के लिए शामिल हुए लोगों पर सिर्फ 80 से 85 लाख का खर्चा आएगा। तो इसलिए इसे सेना को फ़ायदा भी होगा, सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और हमारी आर्मी पावर भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब बात करें सैलरी प्रोसेस की, तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के मुताबिक देखा जाए तो एज अ ऑफिसर जो ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी 80 to 90,000 यानी कि 80 से 90,000 पर मंथ मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करें कि 3 साल इंडियन आर्मी को सर्व करने के बाद हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी इसके लिए बहुत सारे अवसर हैं। प्राइवेट कंपनियां सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए सभी ग्रेजुएट्स की बजाय उन लोगों को अच्छी सैलरी और नौकरियाँ भी देती हैं जो आर्मी से ट्रेंड होते हैं, यानी कि वो सभी लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 3 साल के लिए यानी टीओडी ज्वाइन किए थे। उनके लिए प्राइवेट कंपनियां अच्छी सैलरी देकर उन्हें सिक्योरिटी के रूप में रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको टीओडी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इस चैनल से रिलेटेड हर अपडेट आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे।